कहाँ से आई हो? मुल्तान से। अभी मुल्तान से आ जाइए। नहीं, मुझे 6 दिन हो गए हैं। तो जायदाद मेरी मामा ने मेरे नाम कर दी। भाई फौत हो गए थे, बहनें फौत हो गई, वो मेरे नाम थे। उसने सारा कुछ मेरे से छीन कर अपने सौकन, मेरी सौकन के नाम लगा दिया। आप ही दूसरी शादी अब की है तुम्हारे शोहर ने? जी जी। कितने उसमें से कितने बच्चे? उसके कोई बच्चे भी नहीं। वो नशा करती थी, मेरे शोहर को भी नशे पे लगा दिया आप ही उसने। 6 माह की बच्ची है? बच्चा बच्ची बच्ची तो कहाँ है वो छोटी? वो मेरी सौकन के पास है। लाहौर में है कोई जानने वाला, कोई जान पहचान? नहीं। 6 दिन से यही रह रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, कितना पढ़ी हुई? मैं 10 पढ़ी हूँ अपनी। अच्छा, तो साइन वगैरह तुम्हारे करवा लिए? इकरारनामा तुम्हारे चढ़वा लिया अपने ऊपर? हाँ जी। मैं क्या, बस कराने वाले ने रिश्ता बस देखा, ये इन्होंने यही देखा है, इसके बाद जायदाद है। शोहर ने कहा 2 नंबर हो। जी। फिर उसने बताया कि मुझे मेरे हामिद ने मुझे मार के बाहर निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं अगेन उसी जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुसाफिर आते हैं डेली, और शहरों से लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ के ही हो के रह जाते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। इस वक्त एक खातून मौजूद है। कहाँ से आई है? सुनने में यह है कि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया यहाँ पर आई हुई है। क्या करने आई है, कहाँ से आई है, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं, और फिर असल हकीकत भी आतिफ भाई से जानेंगे, तो इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुमेरा। सुमेरा कहाँ से आई हो? मुल्तान से। आप ही? मुल्तान से आ जाइए। नहीं, मुझे 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन शादीशुदा? जी। 2 बच्चे हैं मेरे। आप ही? शोहर क्या करते हैं? शोहर कुछ भी नहीं, मेरी घर बार मेरा अपना ठीक ठाक हूँ। आप ही? बस माँ बाप फौत हो गए, तो जायदाद मेरी मामा ने मेरे नाम कर दी। भाई फौत हो गए थे, बहनें फौत हो गई, वो मेरे नाम थे। उसने सारा कुछ मेरे से छीन कर अपने सौकन, मेरी सौकन के नाम लगा दिया। आप ही? दूसरी शादी अब की है तुम्हारे शोहर? जी जी। कितने उसमें से कितने बच्चे? उसके कोई बच्चे भी नहीं। वो नशा करती थी, मेरे शोहर को भी नशे पे लगा दिया आप ही उसने। अच्छा, तुम्हारे शोहर के साथ जो पहली तुम्हारी शादी है ना, कितना अर्सा हो गया शादी? शादी को 8 साल। बच्चे कितनी देर के? एक है 6 माह की, एक है 5 साल का बच्चा। 6 माह की बच्ची है? बच्चा बच्ची बच्ची तो कहाँ है वो छोटी? वो मेरी सौकन के पास है। छीन लिया उसने? जी, मार कूट कर 2-3 बजे उन्होंने भेज दिया इधर लाहौर, कहते जाओ। बच्ची रह लेती है छोटी बच्ची, मासूम दूध पीने वाली बच्ची? तो फिर जाहिर क्या करती, वो कह रहे थे आपको मैंने टांगे तोड़ने में जानो मार देना, अपनी जान चाहती है तो जाओ इधर से लाहौर चल जाओ वापस, इधर ना दोबारा आना। उसने ही बताया कि लाहौर जाओ? जी जी। या खुद अपनी मर्जी से लाहौर? नहीं, उसने भेजा। जी। लाहौर में है कोई जानने वाला, कोई जान पहचान? नहीं। 6 दिन से यही रह रही हूँ। हाँ जी, कभी दरबार में, कभी और दूसरे किसी मेरी दोस्त है उसके घर एक रात रही थी। आप कौन सी दोस्त है? रहती तुम कहीं की हो दोस्त तुम्हारी यहाँ? वो भी मुल्तान की है। अच्छा। उसकी लाहौर में शादी हुई है। तो क्या जायदाद तुम्हारी, क्या अंगूठे वगैरह लगवा लिए तुमसे? नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ अपनी। अच्छा, कितना पढ़ी हुई? मैं 10 पढ़ी हूँ अपनी। अच्छा, तो साइन वगैरह तुम्हारे करवा लिए, इकरारनामा तुम्हारे चढ़वा लिया अपने ऊपर? हाँ जी। तुमने कर दिए उनको? हाँ जी। क्यों? अभी मेरी भी पढ़ी लिखी हो, तुमने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो तुम्हें ये नहीं समझ के मैं ये दे रही हूँ तो मेरे बच्चों का हक जा रहा है? कहता बच्चे भी नहीं हमने देने, कहीं जाना तो जाओ। अच्छा, अब 6 दिन से यहीं पे हो? जी। आप ही? आगे पीछे कोई नहीं है, माँ बाप बहन भाई जिनको बताओ तुम? नहीं, मेरा कोई सहारा भी नहीं। आप ही? तो यहाँ पर किसी को कहा, पुलिस को कहा, किसी की मदद लेनी चाहिए? कहा था तो वो कह रहे थे हूँ हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसे करें इधर कोई जॉब कर दें सिक्योरिटी गार्ड का, आप इधर ही काम कर लो। इधर मनारे पाकिस्तान के वो बड़ा अफसर है, उसने कहता बेटा इधर हम लेडीज को चेक करना है तो पर्स चेक करने, बस सुबह को ड्यूटी थे शाम को 6 बजे तक। अच्छा, तो रोटी तो तुम अकेली हो, रोटी तो तुम्हें वैसे भी मिल जानी है। बच्चों को छोड़ के आई हो, स्पेशल 6 माह की बच्ची को छोड़ के आई हो, तो तुम रह लोगी? रोटी के बगैर इंसान रह लेता है, औलाद के बगैर तो नहीं ना रह सकता, सब रिश्तों के बगैर रह सकते। एक माँ जिसने अपने बच्चों को पैदा किया है, पाला पोसा, और वो स्पेशल दूध पीने वाली 6 माह की बच्ची, उसके बगैर रह लोगी?
वो कह रहा तुम रहो उसके बगैर रहो तो इधर का मुंह नहीं करना तुमने मुल्तान। वो जैसे कि वो कहे तुमने जहर खा लेनी है मर जाना है तो मर जाओगी कुएं में छलांग लगा लोगी। नहीं नहीं आपकी कौन सी तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कह रही हो कि जो उसके कहने उसने कहा जी ना आओ तुम अपने बच्चे दे आई। तो लाहौर में ना मेरी कज़न की वो मेरी दोस्त है उसकी शादी हुई है वो भी लाहौर मुल्तान से लाहौर में आई है। फिर उसके साथ मैंने परसों जाने वो वकील है उसका मियाँ भी वकील है आप ही। तब हमने परसों हमने चल जाना मुल्तान। किसी से तुमने मशवरा किया कि मेरी औलाद छीनी गई है मुझे उन्होंने बताया था? मैं अपनी दोस्त को बताया था उसी मुल्तान से इतने लाहौर में शादी हुई तो सारा मैंने बात बताई है। कानूनी मदद नहीं ली? ली है तो उधर भी मैंने मुल्तान में भी सारा कुछ बताया तो कहता मुल्तान में अपने एरिया के जो तुम्हारे थाना लगता है वहाँ पे जाती रिपोर्ट करती एप्लीकेशन देती कि मुझ पे तशद्दुद किया गया है मेरी औलाद को छीना गया है मेरी जायदाद को अपने के लिए गलत साइन करवाए गए हैं। तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हारा केस है। वो कह रहा था तुम दो नंबर हो ऐसे मगर मैं दो नंबर थी तुमने मेरे साथ क्यों शादी की है? मैं कह बस कराने वाले ने रिश्ता बस देखा ये इन्होंने यही देखा है इसके बाद जायदाद ऐसा शोहर ने कहा दो नंबर हो जी। कभी कोई ऐसा काम किया कोई दोस्ती वगैरह उसने पकड़ी हो तुमसे कोई मोबाइल कोई किसी बंदे को मिलता हो? नहीं नहीं अभी मैंने मुझे शौक नहीं मोबाइल का मैं झूठ नहीं बोलना मैं मोबाइल नहीं रखती। तो फिर कैसे उसने कह दिया शोहर ने कि तुम दो नंबर? अभी वे गुस्से से आकर के आया उसने आप ही गुस्से से आकर के आप ही उसने तो कहता तुम मैंने के रिश्तेदारों के घर भी गई थी उन्हों को सारा कुछ मैंने बताया ऐसे ऐसे आपके भाई ने कहा है ऐसे कहा मैं अपनी नंदों के घर भी गई सबको बताया तो कहती हम कैसे कह सकते वो सुधर नहीं सकता। फिर मैं कहा बाजी तुसी मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की आपने फिर क्यों रिश्ता लिया था हमारे घर आती थी जो मेरी वालदा से मरने से पहले उन्होंने कहा नहीं माँ जी मेरिया भी छः बेटियाँ है तो मेरी ताड़ी बेटी नाल होएगा तो मेरी बेटियाँ नाल भी अगों होएगा उस तो बाद बाजी आई नहीं से उत्थे। हम पैसे के किन्ने दिते ने पैसे चुके फिर दिए? नहीं नहीं ए मेरे 120 सी ना दरबार ते सी ते असी नाता पढ़ दियाँ पईयां सी तो उत्थो असी मांगदे नहीं बाजी अल्लाह माफ़ी दे सी ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि पैसे वगैरह किसने दिए आपको कैसे खाना पीना? अल्लाह ही देता है। अल्लाह तो सबको देता है लेकिन बंदा कोई मेहनत करता है मजदूरी करता है फिर पैसे मिलते हैं ना पैसे तो उसको भी मिलने हैं। वो मेरी दरबार में हम नाते पा रहे थे फिर उन्होंने फिर हमको दी पैसे दी अपनी खुशी। उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 25 साल आप पे। 25 साल जी, जी मुझे अंदाज़ा हो रहा था 25 साल उम्र। चलें आप कोई अपील करना चाहती हो कुछ कहना चाहती हो? आप ही मैं यही कहती हूँ बिकॉज बेटियों के नसीब अच्छे हों नसीबों से डर लगता बेटियों में क्यों बेटियाँ रात को कुछ नहीं खाती तो ये इंसान देखें किसी की बेटी के साथ करें हमारी भी आगे से बेटी हैं हम किसी के बाहू बहन के साथ ऐसे जुल्म करें ना यही कहूँगी किसी बहन के साथ जुल्म ना हो। आप ही जी नाजरीन इस हवाले से आतिफ भाई से भी उनकी राय लेंगे और आतिफ भाई के पास चलते हैं वो इनके बारे में क्या करते हैं इस वक्त मुकम्मल इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। 6 दिन से ये यहाँ पर मौजूद हैं कहाँ से हैं इन्होंने तो बताया असल हकीकत क्या है आतिफ भाई अपनी जो रिसोर्स हैं उनसे पता कर रहे हैं फिर आतिफ भाई से इनके बारे में विजन जानते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आतिफ भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी आतिफ भाई इस खातून के हवाले से आपने रेकी की है मुकम्मल तौर पर ये कि इसने जो बताया है मामला असल मामला क्या है हकीकत क्या? पहली बात तो ये है ना कि पहले तो वो कुछ बता ही नहीं रहे थे कि बड़ा उसे फोर्स किया कि तुम बताओ क्या मसला है पहले तो रो रही थी तो मैंने बोला कि मसला है कोई मसला है कोई वैसे कोई तबीयत ख़राब है या किसी को कोई मसला है आपको तहफ़ सेंटर आपको जमा करवाते हैं किसी को के फिर उसने बताया कि जी मुझे मेरे हामद ने मुझे मार के बाहर निकाल दिया। मैंने बोला हर कोई वजह तो होती है ना हर वैसे तो कोई भी नहीं फेंकता लेकिन उसने सीधी सी बात बोल दी कि मुझे मेरे हामद ने बोल दिया कि आप जो है ना जिस्म फरोशी करती हो लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जो जिस्म फरोश ये लगती ही नहीं है एक होता है इंसान लगता है लेकिन ये लगती ही नहीं है लेकिन आगे खुदा बेहतर जानता है इससे असल मामला तो इसका क्या है लेकिन अभी ये जो मामला था अभी इसने बताया ना लेकिन उसकी दूसरी बीवी की वजह से उसने जो है ना जाहिर सी बात है जब एक होगी जब दूसरी उसके अंदर आएगी ना इंटरेस्ट लेगी तो वो मामला तो कुछ गलत ही होगा को वो उसे कान भरेगी ये तुम्हारी बीवी ये करेगी तुम वो करेगी ऐसे करेगी यानी कि ये ठीक है
ये एक ट्रिक है, जाहिर किसी को भगाना है तो उसको ट्रिक तो देनी पड़ेगा ना, जाहिर उसे कान भरेगा तो काम चलेगा ना। तो इसकी ये एक हफ्ता हो गया, उसने कहा कि ये 6 दिन है, लेकिन आपको और हमें पता है कि एक हफ्ता हो गया ये यहाँ पे आई है। कभी ये गायब हो जाती है, कभी ये यहाँ पर मौजूद होती है, और आसपास के लोगों ने मुझे लोगों ने मुझे बताया कि ये जो दिन को जो है ना ये इधर से गायब होती है, रात को आती है। लेकिन कुछ बातें उनकी भी ठीक है कि वो कहते हैं गलत है, लेकिन हो ये भी हो सकता है कि वो दिन के टाइम कुछ ऐसे गलत काम करती हो, रात के टाइम इधर आके मुसाफिर आने के बैठ जाती हो, लेकिन ये गलत बात है। ये इसके और 6 माह की बच्ची भी है। देखें जी, जो बच्चे होते हैं वो तो मासूम, उन्हें क्या पता कि मेरी वालदा क्या या मेरा वालद क्या कर रहा है, उसे तो नहीं पता। उसे तो पता चलेगा जब उसको अपने आप के जो 18 साल से या 16 साल की एज में जाएगी, फिर उसे पता चलेगा कि मेरे वालद कौन था और वालदा इनके करेक्टर क्या थे, अवाम इन्हें को बताएगी। नाज़रीन, सारा आपने सुना आतिफ भाई की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ़्ता ज़रूर हो गया, ये दिन में गायब होती है, कहाँ होती है, क्या करती है। अब किसी के बारे में हम जो है इस तरह की अपनी पर्सनल राय इख्तियार नहीं कर सकते, जितना इनके रिसोर्सेज ने इनको बताया उन्होंने बताया, जो खातून ने बताना था वो भी बताया, बाकी आपने ही फैसला करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।